इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। चौल में मौजूद 16वीं सदी में पुर्तगालियों के बनाए गए शानदार किलों को देखने के लिए बहुत कम लोग जाते होंगे। समुद्री किनारे पर बसा चौल शहर, जो कभी समुद्री यात्रियों की गतिविधियों की वजह से बहुत अहम बंदरगाह माना जाता था, आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। आइए सुनते हैं चौल की कहानी। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर चौल शहर किसी जमाने में दुनिया भर से भारत आने वाले मालवाहक जहाजों से घिरा रहता था। करीब 2000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिमी एशियाई देशों के बीच गहरे व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे और व्यापारी अलीबाग के करीब चौल बंदरगाह पर आकर बस जाते थे। चौल बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, लेकिन इसका इतिहास इससे भी पुराना है, यानी बौद्ध युग की गुफाओं, निजामशाही मस्जिदों से लेकर पुर्तगाली किलों तक। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन कुरुश दलाल हमें बताते हैं कि चौल की कहानी दरअसल पहली सदी के आरंभ से शुरू होती है। पिछली 22 से 23 सदियों से भारत के समुद्री पश्चिम तट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है अलग अलग कारोबार के लिए। यहाँ के जो ट्रेड रूट्स हैं, समुद्री ट्रेड रूट्स, वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट से दोनों ही जगह से अलग अलग सामग्रियाँ यहाँ आती थी और यहाँ की सामग्रियाँ विदेश के देशों को जाती थी। हमारे पास नहीं तो एक 2000 या 2200 साल का एविडेंस है। हमें मालूम है कि रोम से, और जो रोम का जो एम्पायर था तभी, वहाँ से शिप्स इंडिया आती थी। ये वेस्ट कोस्ट के साथ भरूच से लेके सुपारा, सुपारा से लेके चौल, चौल से लेके मांदाड़, मांदाड़ से लेके नीचे केरल में पट्टनम तक अप डाउन करती थी कोस्टल ट्रेड में। वो अलग अलग सामग्रियाँ बेचते थे, खरीदते थे और ज़्यादा करके यहाँ का सामान लेकर फिर रेड सी से बेरेनिके और मियोस हॉर्मोस की तरफ जाते थे। तो हमारे पास ऐसे दो लेख लिखे हुए हैं। पहले का नाम है पेरिप्लस मेर एरिथ्रियम। ये अरेबियन सी के बारे में हमें काफ़ी ज्ञान देता है, अरब महासागर के बारे में, अलग अलग जो पोर्ट्स है, जैसे शिप रेड सी से बाहर निकलती है, ओमान की तरफ जाती है, वहाँ से पाकिस्तान का कोस्ट टच करते हुए भरूच आती है गुजरात में, भरूच से वो कल्याण जाती है, सुपारा जाती है, वहाँ से वो चौल भी आती है और फिर नीचे केरल की तरफ जाती है। तो ये पहला लेख है जो करीब 1st century AD में हमें मिलता है। उसके बाद हमें 2nd century AD का बहुत ही फेमस वर्क है, उसे जोग्राफिया नाम से जाना जाता है, जो टॉलेमी ने लिखा है, टॉटिस टॉलेमी ने, और उसमें भी हमें फिर से ऐसे ही साइट्स के वर्णन मिलते हैं। कोई साइट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं अभी, कोई साइट्स कम मिलते हैं, लेकिन जो मेन साइट्स है, जो भरूच है, कल्याण है, सुपारा है और चौल है, इनका वर्णन होता है। तो चौल को ये जो ट्रेडर्स है, इसे वो सेमिला कहते हैं ग्रीक में। मगर ये ट्रेडर्स से पहले भी कानेरी की गुफाओं में हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं और बहुत सारे टोनेटिव इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं अलग अलग लोग देते हैं फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, और उसमें एक सोनार का फैमिली है चौल से, और इस सोनार के फैमिली ने काफ़ी डोनेशंस दिए हैं और उनके अलग अलग मेंबर्स ने। तो हमें मालूम है कि चौल इतना बड़ा शहर था उस समय कि यहाँ एक बसी बसा सोनार था और वो इतने दूर तक डोनेशंस दे रहा था उसके बौद्ध धर्म के बारे में। सो ये जो चौल की साइट है, उसकी एंटिक्विटी कम से कम 2200 साल पहले तक जाती है। उसके बाद जो पूरा इंडो रोमन ट्रेड का पीरियड है, जिसे हम 1st century AD से लेके 4th century AD तक नॉर्मली लेते हैं, इस पीरियड में भी हमें काफ़ी अवशेष मिलते हैं। हमें ये भी मालूम है कि रोम से जो सामग्री आती थी, जैसे वाइन आता था मदिरा, तो इसमें इसके जो बोतलें हुआ करती थी उस ज़माने के, जैसे एम्फोरा कहते हैं, ये टेराकोटा की हुआ करती थी, मृदुवाणी की हुआ करती थी, और इनके भी अवशेष हमें मिले हैं। ऑल्सो हमें चौल के एक्सकवेशन से बड़ी तादाद में मोती मिले हैं, कांच के,
और ये मोती जो इंडो पैसिफिक ट्रेड बीट्स कहलाए जाते हैं, इनके बारे में भी हमें मालूम है कि ये रोम तक जाते थे। व्यापारियों की बढ़ती संख्या और क्षेत्र की शोहरत को देखकर बौद्ध व्यापारियों ने यहाँ गुफा परिसर बनवाए। यहाँ पाई गई दो गुफाओं में से एक को हिंगलाज देवी मंदिर में तब्दील कर दिया गया। इसके बावजूद यहाँ स्तूप और अन्य अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ चौल में दो पुराने बौद्ध केव्स हैं, जो बौद्ध लेनी कहते हैं हम, और बौद्ध गुफाएं हैं। एक को आज कन्वर्ट किया गया है, हिंगलाज देवी का मंदिर बनाया गया है, मगर वहाँ भी हमें ब्यूटीफुली कार्व्ड एक स्तूपा लो रिलीफ में है, मीडियम टू लो रिलीफ में, जो आज भी बचा हुआ है। उसको छोड़ के दूसरा भी एक छोटा सा केव कॉम्प्लेक्स है, और ये हमें कहता है कि ये बौद्ध धर्म के लिए चौल काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह थी। बौद्ध धर्म कॉमनली ट्रेडर्स का धर्म था उस ज़माने में, और अगर ये ट्रेड रूट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक था, एक कड़ी थी इस ट्रेड रूट की, जहाँ से समुद्री ट्रेडर्स और लैंड ट्रेडर्स मिलते थे। तो ऑब्वियसली हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ ये बुद्धिस्ट ट्रेडर्स आएंगे, डोनेशंस देंगे, तो उनके भी अलग अलग मोनेस्ट्रीज यहाँ बनेंगे। तो अगर दो दो ऐसे केव कॉम्प्लेक्सेस यहाँ है, उसका मतलब है कि चौल काफ़ी बड़ा पोर्ट था उस तरफ। उसके बाद मेडिवल पीरियड में हम जाते हैं, तो मेडिवल पीरियड के काफ़ी सेरामिक्स भी यहाँ से मिलते हैं, ग्लेज्ड वेज वगैरह जो पर्शियन गल्फ से आ रहे हैं, 8th, 9th, 10th, 12th सेंचुरी एडी के। हमें यहाँ यादवकालीन शिलालेख भी मिला है, जो एक बड़े पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर काव किया गया है, जिसमें गधे गल भी है। बदलते हुए वक्त के साथ इस बंदरगाह के शासक बदलते रहे, पहले बहमनी, फिर निजाम शाही और उसके बाद पुर्तगाली। बदलते हुए शासनों के साथ नए नए स्मारक भी बनते रहे, जैसे ये निजाम शाही मस्जिद। दिलचस्प बात यह है कि निजाम शाही रियासत के अधीन ये एकमात्र बंदरगाह था, इसी वजह से इसका महत्व भी बढ़ गया था। बामनी पीरियड में चौल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था बामनियों का, और बामनी पीरियड में यहाँ से काफ़ी ईरान के साथ, पर्शिया के साथ, इराक के साथ, अरब महासागर में जितने भी पोर्ट्स हैं वहाँ से बोट यहाँ चौल को आती थी। जब बामनी पीरियड ख़त्म हो गया और बामनी शासन के 5 टुकड़े हो गए, तो ये एरिया अहमदनगर का जो निज़ामशाही शासन था उसके एरिया में आ गया। चौल सिर्फ एकमात्र एक निज़ामशाही पोर्ट था, तो निज़ामशाही पीरियड में जितना भी समुद्री व्यापार होता था वो सब चौल से होता था। चौल में काफ़ी बड़ी तादाद में ट्रेडर्स आया करते थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी करावन सराय बनाई गई थी बाहर चौल से थोड़ी डिस्टेंस पे। और आज तो हमें सिर्फ ज़्यादा करके कोकोनट ट्रीज़ दिखते हैं, मगर इन कोकोनट ट्रीज़ में आप अगर केयरफुली देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग निज़ामशाही पीरियड के मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। एक बड़ा हमाम खाना है यहाँ, एक जामा मस्जिद है, और ये जामा मस्जिद यूनिक इस कारण है कि वहाँ दो शिलालेख हैं, और जामा मस्जिद ज़्यादातर निज़ामशाही पीरियड में नहीं बनते थे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। क्योंकि ये निज़ामशाही का एकमात्र बंदरगाह था, इसलिए ये हमेशा दुश्मनों के निशाने पर रहा। बीजापुर की तरफ से लगातार होने वाले समुद्री हमलों की वजह से निज़ामशाही को पुर्तगालियों से मदद मांगनी पड़ी थी, इसी वजह से पुर्तगालियों को शहर में कदम जमाने का मौका भी मिल गया। सन 1508 के चौल के युद्ध में मिस्री मामलुकों और गुजरात सल्तनत ने मिलकर पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। उसके बाद एक शांति समझौता हुआ, उसी समझौते की वजह से पुर्तगालियों को रेवडंडा और कोडले जैसे किले बनाने का मौका मिल गया। चौल के ऊपर बीजापुर की नौसेना का आक्रमण भी हुआ करता था, तो इस आक्रमण से बचने के लिए 16वीं सदी में पोर्चुगीज़ को बुलाया गया, और निज़ाम शाह ने पोर्चुगीज़ को फरमान दिया और उन्होंने वहाँ एक छोटा सा किला बनाया। ये किला स्लोली स्लोली एक्सपैंड हुआ, पहले तो पोर्चुगीज़ स्टेशन में थे इनके साथ, पोर्चुगीज़ ने हमला किया था चौल पे, हार गए थे इस हमले में 1508 में, लेकिन 1509 में उन्होंने पीस ट्रीटी की
और फिर चौल के डिफेंस के लिए उन्होंने एक छोटा सा फोर्ट बनाया और ये फोर्ट बढ़ते गया 1530 तक काफ़ी बड़ा फोर्ट बना जिसे आज हम रेवडंडा के किले के नाम से जानते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ चर्चेज वगैरह हुआ करते थे, लोग रहते थे यहाँ, बड़े बड़े बैस्टियंस के ऊपर तोफ वगैरह लगाई गई थी ताकि जो कुंडलिका रिवर का जो क्रीक पोर्ट है यहाँ चौल का, उसे सेफगार्ड कर सके। इस किले में काफ़ी इंस्क्रिप्शंस हैं और जो मेन इंस्क्रिप्शन उसके मेन गेट पे है उस पर और क्लियरली लिखा गया है कि इसको वो चौल के नाम से जानते थे, चौल के नाम से, और इस किले का नाम था फोर्टलिजा डी चौल। सामने के साइड पे जहाँ एक बड़ा रॉकी बार है कुंडलिका नदी के मुँह के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने दूसरा एक फोर्टिफिकेशन बनाया, इसे मोरो डी चौल कहते हैं और हम आज इसे कोरलाई के किले के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों किले के बीच में जो कुंडलिका नदी का जो मुँह था वो कम्प्लीटली बंद किया गया था कैनन्स के दरबार, ये तोफों के गोले दोनों बाजू जाते थे और कम्प्लीटली कवर करते थे कुंडलिका का मुँह। अगर आपको अंदर आना था या बाहर जाना था तो आप पोर्चुगीज़ के परमिशन के बिना नहीं जा सकते थे और आप पोर्ट को अटैक नहीं कर सकते थे। 15th century AD से काफ़ी यूरोपियंस यहाँ आते थे। पोर्चुगीज़ के पहले भी बड़े फेमस रूसी ट्रैवलर थे अफानासी निकितिन, वो जब विजयनगर की तरफ गए थे तो बसरा से जो ईरान में है वो बोट लेके पहले चौल आए थे, उन्होंने चौल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उनके बाद जो फेमस इटालियन ट्रैवलर था 17वीं सदी में पिएट्रो डेला वैल, वो भी यहाँ आया था और पिएट्रो ने भी काफ़ी कुछ लिखा है चौल के बारे में, चौल के राज्य के बारे में, चौल के लोगों के बारे में, कैसे अलग अलग समुद्री राज्यों से यहाँ बोट आती थी और ट्रेडर्स आते थे और बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ ट्रेड हुआ करता था। चौल पुर्तगाली भारत के उत्तरी प्रांत का हिस्सा था जो 17वीं शताब्दी के मध्य तक वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात के तट के साथ विस्तारित था, दक्षिण में चौल से उत्तर में दमन तक, जिसका मुख्यालय उत्तरी बॉम्बे का बासेन या वसई था। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाली हुकूमत आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। इसी के साथ चौल का महत्व भी समाप्त हो चुका था। 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल सल्तनत भी कमजोर पड़ गई और मराठों ने मध्य और पश्चिमी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसी के साथ जहां बम्बई महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभर रहा था, वहीं चौल का महत्व खत्म हो रहा था। 17वीं सेंचुरी में पिएट्रो डेला वैल के आने के बाद ऑलरेडी यहां काफी हलचल मची हुई थी। दो बार मराठाओं ने यहां अटैक किया था। कुछ देर के लिए शिवाजी महाराज के पिता शाहजी ने चौल के ऊपर राज किया था। यही पीरियड है 1630 में जब मुगल साउथ की तरफ देखने लगे और पूरा जो निज़ामशाही एम्पायर था ऑलरेडी थोड़ा वीक था और इसी समय उन्होंने आक्रमण किया और निज़ामशाही को ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ शाहजी को भी उन्होंने हटाया यहाँ से, जो बीजापुर की सर्विस में थे, और ये थोड़ी देर के लिए एक मुग़ल पोर्ट बन गया। मगर मुगल्स को इतना इंटरेस्ट नहीं था सीबोर्न ट्रेड में और यहाँ ट्रेड लैग होने लगा। उसके बाद चौल का पोर्ट बीजापुर को दिया गया और बीजापुर का तो ऑलरेडी पोर्ट था नीचे और उनकी ट्रेड काफ़ी साउथ में थी, साउथ महाराष्ट्र में। सो चौल का पोर्ट लैंग्वेज होने लगा और स्लोली स्लोली चौल का इम्पोर्टेंस कम होने लगा। यही समय इंग्लैंड में एक शादी हुई, पुर्तगाल की प्रिंसेस के साथ, राजकुमारी के साथ इंग्लैंड के राजा की शादी हुई और उसके डाउरी में, उसके दहेज में बॉम्बे के जो 7 आइलैंड्स थे वो दिए गए। जब सूरत में काफ़ी तकलीफ होने लगी क्योंकि शिवाजी महाराज के दो दो बार अटैक्स हो गए तो ब्रिटिश ने पूरा ट्रेड बॉम्बे को शिफ्ट किया और एक बार बॉम्बे फोकस हो गया इस रीजन का ट्रेड का तो चौल के दिन तो ऑलरेडी जो नंबर थे ख़त्म हो गया। बासेन पर कब्जे के बाद 18 सितंबर 1740 को एक शांति समझौता हुआ जिसके तहत चौल शहर मराठों के हिस्से में आ गया। उसी के बाद इस शहर को लावारिस बनाकर खंडहर होने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन आज ताड़ के पेड़ों के इस कुंड से गुजरते हुए आपको कई ऐतिहासिक स्मारक नजर आएंगे। आज चौल एक छोटा सा
क्वाइट स्लीपी विलेज दिखता है, बड़े बड़े पाम ट्रीज है, कोकोनट ग्रोव्स है, सुपारी के ग्रोव्स है, लेकिन इस ग्रोव्स के अंदर अभी भी ट्रेस इटालियन स्टाइल के रेवडंडी के किले की दीवारें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें अभी भी बाकी हैं, चर्च के जो बड़े बड़े बेल टावर्स हुआ करते थे आज भी खड़े हैं। अगर आप भी आज भी हैं, आप ये छोटे से सुनसान गांव में टहलने लगे तो आपको इन नारियल के पेड़ों के बीच में पुराने ज़माने के अवशेष आज भी मिलेंगे, पुराने ज़माने के पॉटरी के मृतभांड के टुकड़े, कभी कभी कॉइन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और जो पुर्तगीज़ पीरियड और निज़ामशाही पीरियड है उसके कई स्ट्रक्चर्स आज भी यहाँ खड़े हैं। जैसे हम चौल को छोड़ के आते हैं तो एक छोटे से हिल के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सल्तनत पीरियड की टूम है, टिपिकली जो स्क्वायर डोम टूम होती है, हमें आज भी मालूम नहीं वो किसकी टूम है, लेकिन ऐसे छोटे 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 एविडेंसेस आज भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल एविडेंसेस है कि एक ज़माने में चौल बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन था, और करीब 2000 सालों के लिए वो यहाँ का गेटवे था टू द डेक्कन। खंडहर हो चुका छोटा सा शहर चौल आज भी ऐतिहासिक और भव्य स्मारकों से भरा हुआ है। हालांकि ज्यादा सैलानी नहीं आते हैं, फिर भी यहाँ आनंद लेने के लिए बहुत कुछ है। आकर्षक ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा यहाँ का जायकेदार खाना, चारों तरफ फैले सुंदर दृश्य, प्राचीन समुद्री तट, अंतहीन समुद्र का खूबसूरत मंजर और डूबते सूरज का मनमोहक नज़ारा।